एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में आगामी विजयदशमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगामी विजयदशमी पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। सभी अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था एवं मार्ग व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई है। पूरे शहर को सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर शोभा यात्रा के निकलने वाले मार्गों का जायजा लेंगे तथा शोभा यात्रा के समय श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे। विजयदशमी के दिन काफी भीड़ भाड़ होती है। सभी भीड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो वह तत्काल डायल 112 पर सूचना दे सकता है, उसकी सहायता तुरंत की जाएगी। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ मंदिर सुरक्षा अजय सिंह, सीओ कैन श्याम देव बिंद, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ चौरी चौरा अंजनी कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद गोरखपुर में दो या तीन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जहाँ पर वो स्वयं उपस्थित रह करके उन आयोजनों में कुछ सम्मिलित होते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं। उनमें से विजयदशमी का जो शोभा यात्रा है ये उन आयोजनों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक ओपन व्हीकल पर सवार होकर के देखिए 4 तारीख को जो विजयदशमी का शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पर होना है, उस संबंध में सभी जो व्यवस्था में लगे हुए हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग की गई है। इस पूरी व्यवस्था को सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। प्रभारियों के साथ जो जो फोर्स लगाया गया है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। कार्यक्रम किस तरह से आयोजित होगा उसके बारे में ब्रीफ किया गया है। ड्यूटी किस प्रकार से की जाएगी, कब से की जाएगी, समय सारणी वगैरह सब उनसे डिस्कस किया गया है। किस तरह से उनको अपना कंडक्ट रखना है प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ, जो पब्लिक उस समय पर उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होती है या दर्शनार्थी के रूप में देखती है उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, सुरक्षा के जो मानक हैं उनकी पूर्ति करते हुए कैसे वीआईपी की सुरक्षा और साथ ही साथ पब्लिक की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है, सभी पर डिस्कशन हुआ है। अभी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाकर अपने सेक्टर और जोन को फिजिकली जाकर के देख लें, जो फोर्स उनके साथ लगा उसकी जानकारी कर लें और जो भी कोई आवश्यकता हो हमको बताएं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि एक अच्छे सुरक्षा के घेरे में ये पूरा आयोजन जो है वो 4 तारीख को संपन्न होगा।